एक बार लेके आना कंप्राइज और अल्टरनेटर भी अपना आ गया, वो भी दिखा देंगे। अच्छा देखिए इसका जो है ये देखिए न्यू एकदम पुली लगा, देखिए इस्त्री मशीन लेके आइए, ये देखिए न्यू पुली लगा आपका, ये पूरा बन के आ गया इसके अंदर में एकदम सेम टू सेम, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये इसका पूरा टूट के गिर गया था, इसको टूटे गिर गया तो दिखा नहीं पाएंगे अभी, एकदम ब्रांड न्यू देख रहे हैं, देख रहे हैं ये पूरा आ गया है। तो ये इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, जिसका काम है बैटरी चार्ज करना। इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है जो टूट के पूरा गिर गया था, इसका एक्सीडेंट होकर जो जितना छोरा बहुत बचा है वो है, और बाकी जो है इसमें है आपका। ये जो हम लोग लगा अभी देखिए, इसके फोटो जाएगा कस्टमर के पास में। अच्छा ये ओल्ड पार्ट्स ये न्यू पार्ट्स, ओके ओके, यहाँ पर रिपेयरिंग होकर आ गया है। लोकेशन का फोटो जाएगा वहां से लेके, गाड़ी का नंबर लेके। अच्छा, सर आपका ही कार है, आपका ही जो आपका वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, आपको हम फोटो भेज रहे हैं, सारा चीज भेज रहे हैं। ये जो है कोई भी वर्कशॉप में सर आपको नहीं मिलेगा, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में सर आपको फोटो नहीं मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा, मगर हम लोग सर कर रहे हैं, बेस्ट सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भरोसा हो। हाँ, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले ना, कॉन्फिडेंस मिले, भरोसा हो कि नहीं हम तो मेरे गाड़ी का काम हो रहा है, कर रहे हो जैसे तो... कि लोग कहाँ कहाँ से आए सर आ रहे हैं लोग, ठीक है ना, तो भरोसा करे तभी आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग मतलब 100% उनको भरोसा दिला दे रहे कि सर आपका कार खुल के पूरा काम हो रहा है। मल्टी कार वर्कशॉप है हम लोग का, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कस्टमर को कि सर आपका ये बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि हमने जो आपको काम दिया सर उसका तो मेरा प्रॉब्लम था, अब ये एक्स्ट्रा क्यों आ गया। सर हमारा काम है आपको बताना, ठीक, आप बताइए करना है कि नहीं करना, करना कि नहीं करना। हमने गाड़ी खोला, बताया आपको दो काम है, अब चार काम निकला आपसे, अच्छे नहीं फोन से बोल देंगे, आपको वीडियो भेजेंगे, वीडियो फोटो भेजेंगे। चाह रहे हैं कि जितने व्यूअर देख रहे हैं, तो अगर जीप कंपास गाड़ी है या कोई भी आपके पास कार है, 24 आवर्स मेरा नंबर चालू रहता है, नंबर चल रहा है देख लीजिएगा, कभी भी कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो आप जरूर ऑटो मैनिक को याद कीजिए, हम लोग को कॉल कीजिए, हम लोग का टीम आपको पूरा कोशिश करेंगे पूरा 100% गाइड करने का। नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं दादा? अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। जी सर, आज तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे दोस्त लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो बात है हम लोग एक के बाद एक टॉपिक वाइज वीडियो छोड़ रहे हैं, इसमें हमारा जो व्यूअर्स है वो लोग काफी सेटिस्फाई है। जी जी जी। और वो लोग कमेंट करके भी सर भेजते हैं कि भाई इस कार का बारे में बताइए, इस कार का बारे में बताइए, तो हम लोग कोशिश भी करते हैं। सर आज आप पहले यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। सर हम लोग कंपनी का नाम है ऑटोमैनिक मोटर कैब प्राइवेट लिमिटेड, मेरा नाम है मिस्टर रमन, और आपका हम लोग हैं कोलकाता से, हम लोग कार रिपेयरिंग का वर्कशॉप है, ये साइंस सिटी ITC होटल का ऑपोजिट में हम लोग का वर्कशॉप है, बाकी नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको एड्रेस हम लोग लोकेशन भेज देंगे। ठीक है सर, आज का टॉपिक का बारे में थोड़ा बताइए। सर हम लोग जीप कंपास के बारे में बात करेंगे, तो उसका क्या काम कर रहे हैं हम लोग, कितना खर्चा आने वाला है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से डाउनसिंग करते हैं हम लोग, किस तरह से कार चेक करते हैं, कैसे अप्रूवल लेते हैं, कस्टमर को कैसे हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सर आपका काम हो रहा है, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। सो फ्रेंड्स आइए, जैसे कि हम लोग इंट्रो में बात कर रहे थे कि आज जीप कंपास का बारे में डिटेल जानकारी देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे ये कार आई है इधर, कितना खर्चा आएगा, कितना दिन टाइम लगेगा, तो आज अमन साहब भी हम लोगों का साथ है। जी सर, पहले बताइए कार कहाँ की? सर ये कोलकाता का ही कार है। ठीक है, ये एक्चुअली कार कहीं पे खराब हो गया था। अच्छा, तो कार खराब होने के बाद में ये हमको कॉल किए। ठीक है, इनका कॉल हम रिसीव नहीं कर पाए। अच्छा, फिर हमने खुद इनको कॉल किया। काम में बिजी थे। हाँ जी, फिर हमको कॉल खुद मैंने फिर वो और एक बार कॉल किए, तो मैंने रिसीव किया, रिसीव करके बात हुआ, तो इनका क्या हुआ प्रॉब्लम, गाड़ी बोल रहे कि गाड़ी मतलब चलने का लायक नहीं है, ओके, बैटरी पावर डाउन हो गया है, फिर आपका कुछ प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। जी जी, तो फिर यहाँ से हम ट्विन में भिजवाए, काफी दूर था यहाँ से। अच्छा, तो ट्विन में भिजवाने के बाद में वहाँ पे जो मेरा ट्विन में जो बंदा है वो जाकर देखा, देखा बैटरी लगाया तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, ठीक है, गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करने के बाद में सॉरी हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, हैंड ब्रेक इसका इलेक्ट्रॉनिक वाला है, हैंड ब्रेक उसको डाउन कर दिया, हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद में वो सामने से उठा के और फिर लेके चले हैं। अच्छा, तो बोलना ये चाह रहे हैं कि जितने व्यूअर देख रहे हैं, तो अगर जीप कंपास गाड़ी है या कोई भी आपके पास कार है, 24 आवर्स मेरा नंबर चालू रहता है, नंबर चल रहा है देख लीजिएगा, कभी भी कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो आप जरूर ऑटो मैनिक को याद कीजिए, हम लोग को कॉल कीजिए, हम लोग का टीम आपको पूरा कोशिश करेंगे पूरा 100% गाइड करने का। ठीक है, एक नंबर चल रहा है, हम लोग का टीम का नंबर है, आप कॉल कीजिए, 24 आवर्स चालू रहता है हम लोग का, कभी कभी हो सकता है हम लोग कॉल नहीं उठा पा रहे, वेट कीजिएगा तो 10-15 मिनट में कॉल जाएगा आपके पास में। अच्छा, ठीक है ना सर, ट्विन वैन क्या हमेशा आपके पास रेडी है? हाँ, क्रेन ट्विन वैन हमेशा मेरे पास रेडी रहता है, हमेशा रेडी जी,
कहीं से भी मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, इसीलिए तो सर हम लोग रेडी रखते हैं कि कोई देखिए गाड़ी है कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मैकेनिकल सामान है, कुछ चक्का जाम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो आप कॉल कीजिएगा, हम लोग 24 आवर्स आपके लिए रेडी है। हाँ, मगर हादसा हो जाए तो आप ऐसे मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप रात में बात करना कॉल कर सकते हैं, मगर आप रात में 2-3 बजे रात में कॉल करके बोलेंगे डेंटिंग बेंडिंग काम है तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर से फंसे तो ये गलत बात है, मगर लोग करते हैं, हमें मेरे पता पास, है, मेरे तो पास कौन लोग करता है ये भी पता है। उस दिन मेरे को 1 बजे रात में आया, बोले कि आप तो बोले 24 आवर्स के लिए, हमने सर बताइए काम क्या है, उसका रात का शुरू तो वहीं से हो रही है। हमने उनको बोला कि सर आपका काम क्या है, तो मेरा आइडेंटिटी पेंडिंग है, हमने सर सॉरी सर आप माइंड मत कीजिएगा, आप सुबह कॉल कीजिए, डेंटिंग पेंडिंग का कोई एमरजेंसी काम नहीं है, आपका गाड़ी बंद हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बताइए, आप दिन में मेरे को कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना, इमरजेंसी होगा तो भी कॉल कीजिए, ट्विन सुबह में आप सुबह में कर सकते हैं मेरे को, जी जी। कुछ काम रहेगा सुबह में कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका कहानी यही है, और इसका जो हम लोग गाड़ी ट्विन वैन से जब लाया था, देखा कि इसका अल्टरनेटर का पुली टूट के पूरा बाहर गिर गया, और कस्टमर बोल रहे थे, सर बोल रहे थे जिनका कार है कि कुछ आवाज हो रहा था, तो वो सोच रहे थे आज कराएंगे कल कराएंगे, इसीलिए बार बार वीडियो में हम बोलते हैं कि आप लोग इग्नोर ना किया कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अभी देखिए इनका जो हादसा हो गया है, गाड़ी को ट्विन वैन से लाया, उनका खर्चा, अब वो सामान लगेगा, वो पार्ट्स लगेगा, टाइम लग रहा है, उसके लिए और भी फैन बेल्ट भी खराब हो गया, उसके लिए और एसी कंप्रेसर का पुली भी खराब हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। सर ये क्या बोला खराब हो गया, ये क्यों खराब हो गया? अल्टरनेटर का काम है बैटरी को चार्ज करना। अच्छा, तो अल्टरनेटर का जो पुली रहता है वो कुछ बैरिंग खराब हो गया था इनका, बैरिंग खराब की अवस्था में चला रहे थे गाड़ी, चलाते चलाते क्या हुआ, इनका बैरिंग खुल के गिर गया पूरा पुली के साथ, बेल्ट टूट गया, आपका एसी कंप्रेसर में डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब मैकेनिकल एक्सीडेंट बोलते हैं। उसका मैं जब गाड़ी आया तो जब चेक किया, मशीन डायग्नोस्टिक मशीन अपने पास में 2-3 मशीन है अपने पास में, कॉस्टली मशीन है, जिससे हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं कार को कंप्यूटराइज। अच्छा, आप वो देख भी सकते हैं, एक बार लेके आना कंप्यूटराइज, और अल्टरनेटर भी अपना आ गया, वो भी दिखा सकते, दिखा देंगे। अच्छा, देखिए इसका जो है ये देखिए न्यू एकदम पुली लगा, देखिए इस्त्री मशीन लेके आइए, ये देखिए न्यू पुली लगा आपका, ये पूरा बन के आ गया इसके अंदर में, सेम टू सेम ये देख सकते हैं आप, देखिए ये इसका पूरा टूट के गिर गया था, इसको टूटे गिर गया तो हम दिखा नहीं पाएंगे अभी, एकदम ब्रांड न्यू देख रहे हैं, देख रहे हैं तो ये पूरा आ गया है, तो ये इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, जिसका काम है बैटरी चार्ज करना। इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है जो टूट के पूरा गिर गया था, इसका एक्सीडेंट होकर जो जितना छोरा बहुत बचा है वो है, और बाकी जो है इसमें है आपका, तो ये मेन इसका ये प्रॉब्लम हुआ था, बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हाँ, तो सर ये तो खराब होने से पहले से तो थोड़ा बहुत साउंड हो रहा था, आवाज हो रहा था, आवाज हो रहा था, इंडिकेशन देगा, आवाज हो रहा था। अच्छा, तो कस्टमर क्या कर रहे थे, कस्टमर ख्याल कर रहे थे, बोले आज कराएंगे कल कराएंगे, वो बोले काम में फंसे हुए हैं, हां हो गया, आप क्या कीजिएगा, क्यों दोस्त बुरा मत मानिएगा, माइंड मत कीजिएगा, आप अगर से वीडियो देख रहे हैं, कॉस्टली कार्ड है, अगर से वीडियो देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, नहीं ठीक है। हां सर, हां ये देख सकते हैं, एक देख सकते हैं ये आपका लॉन्च का मशीन है, जिससे हम लोग टोटल कार का इसमें सॉल्व करते हैं, देखिए ओके ओके, इसमें टोटल कार का ये थोड़ा अपडेटेड मशीन है। अच्छा, ये थोड़ा सा बैक वाला है, तो इसमें दोनों रखे हुए हैं, समझिए इसमें आपका 2000 इसमें 24-23 तक काम हो जाएगा हम लोग का। अच्छा, 2023 तक काम हो जाएगा, अभी नया वाला अपडेट हम लोग लेना पड़ेगा, और इसमें आपका 2022 तक काम हो जाएगा, 22 तक जी हाँ इसमें हो जाएगा आपका। तो ये हम लोग के पास डायग्नोस्टिक मशीन है, जो बोल के हम लोग क्या करते हैं सर, काम ये सब कार का कम कर पाते हैं, कर पाते हैं, जैसे कि जीप कंपास का इसमें सॉफ्टवेयर है, टोटल सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट है, हम लोग मर्सिडीज का भी है, मर्सिडीज का भी है, ऑडी सब चीज का ही काम हो जाता है, ये आपका ओबीडी है, ये लग जाएगा कार में, लगने के बाद इसमें कनेक्ट होकर फिर हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, एक की देखिए काम तो बहुत सारे मैकेनिक कर सकते हैं, देखिए इसमें लॉन्च लिखा हुआ, इसमें देख लीजिए, ये भी लॉन्च का ही मशीन है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी ओबीडी है लॉन्च का, ये भी ओबीडी है लॉन्च का, देखिए ये बड़ा अपडेटेड है, जी जी ये भी दोनों ही अपडेटेड है, एक साल का आगे पीछे है, मगर सब 2022 तक इसमें करेंगे, 23 तक इसमें कर सकते काम, इसमें कर सकते हैं। आप बताइए हम लोग पास में टूल से बोल के हम लोग काम कर पा रहे हैं? नहीं, बात तो सही है, इसको मेन तो देखिए काम तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था जी, जो काम तो जो जानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्या काम है वो जानना, बीमारी पकड़ना, बीमारी को पकड़ना पहले जरूरी है। तो क्या फॉल्ट हुआ है? पहले हम लोग के पास कार आता सर, उससे पहले हम लोग डायग्नोस्टिक मशीन लगाते हैं ये वाला, उसमें पूरा सारा चीज फोल्ड कोड देख लेते हैं, उनको कस्टमर को फोल्ड कोड भेजते हैं, उनको बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम के लिए आपका आ रहा है प्रॉब्लम, फोल्ड कोड हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में उनसे परमिशन लेकर फिर हम लोग काम कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, एकदम A to Z, एकदम स्लैब वाइज जाते हैं, एकदम
सर कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आप ये ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं? देखिए ये जो हमने लगाया अभी, ये जो हमने लगाया अभी, देखिए इस फोटो जाएगा कस्टमर के पास में। अच्छा, ये ओल्ड पार्ट ये न्यू पार्ट, ओके रिपेयरिंग होकर आ गया। लोकेशन का फोटो जाएगा वहाँ से लेके, गाड़ी का नंबर लेके, सर आपका ही कार है जो आपको वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, आपको हम फोटो भेज रहे हैं, सारा चीज भेज रहे हैं। ये जो है कोई भी वर्कशॉप में सर आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में सर आपको फोटो नहीं मिलेगा, नहीं, नहीं। वीडियो नहीं मिलेगा, मगर हम लोग सर कर रहे हैं। हाँ। बेस्ट सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भरोसा हो। हाँ, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले ना, कॉन्फिडेंस मिले, भरोसा हो कि नहीं हम तो मेरे गाड़ी का काम हो रहा है, जैसे कि लोग कहाँ कहाँ से सर आ रहे हैं लोग, ठीक है ना, तो भरोसा करे तभी आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग मतलब 100% उनको भरोसा दिला दे रहे कि सर आपका गार खुल के पूरा काम हो रहा है, आपका ये पार्ट से ये सामान आपका ओल्ड है, ये न्यू है, ये आपका कार है, ये देखिए जुगान लगा हुआ, जब खुला सब पूरा खुला हुआ, वीडियो करके उनको हम लोग भेज दिए। वो घर पे है कस्टमर, अपना ऑफिस में है, वो अपना बिजी रहे, आज के टाइम में समय नहीं, कस्टमर बैठे काम करेगा। हाँ, दस साल बैक चले आइए, 15 साल बैक तो लोगों का समय था, वो बड़े बड़े काम करता था अंबर हॉटर फिएट का। अभी तो सब चीज स्मार्ट हो गया है, तो फटाफट हम लोग चेक किया करके कर दिया। और इसका जो इनकी जो कस्टमर है, ये आपका सर्विस सेंटर में जाके टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा के आए थे। अच्छा, तो सर्विस हम एक तो बात सर बताए थे वीडियो में कि अगर से कोई गाइड करने वाला मैकेनिक आपको मिल गया, तो आपको समझिए उसको बोलते हैं ना गंगा पार हो गए, मतलब आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताइए सर्विस सेंटर में कार गया, टाइमिंग बेल्ट चेंज किया, और व्हील पे वी बेल्ट क्यों नहीं चेक किया, ऑल्टरनेटर का पुली क्यों नहीं चेक किया, ये बात ज्यादा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि सर्विस सेंटर से आने के बाद मेरा 1000 किलोमीटर गाड़ी भी चला नहीं, और 1 से 2 महीना हुआ है। ठीक। तो आप बताइए सर, हम सर्विस सेंटर का दोष नहीं दे रहे हैं, सर्विस सेंटर का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर सर्विस सेंटर में सिस्टम क्या हो गया, हम लोग पास इतना काम है कि जो आप बोलेंगे वही करके छोड़ देगा। हालांकि सर्विस सेंटर में तो उसको गाइडलाइन मिलना चाहिए, कहाँ जाएंगे भाई, हमें कैसे पता चले। हम लोग सर बाहर के हैं, जो लोग हम लोग मल्टी कार वर्कशॉप है हम लोग का, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कस्टमर को कि सर आपका ये बहुत सारा कस्टमर बोलते हैं कि हमने जो आपको काम दिया सर, उसका तो मेरा प्रॉब्लम था, अब ये एक्स्ट्रा क्यों आ गया। सर हमारा काम है आपको बताना, ठीक, आप बताइए करना है कि नहीं करना, करना कि नहीं करना। हमने गाड़ी खोला, बताया आपको 2 काम है, अब 4 काम निकला आपसे, अच्छे नहीं, फोन से बोल देंगे आपको, वीडियो भेजेंगे, वीडियो फोटो भेजेंगे, कि प्रूफ करेंगे कि सर ये खराब है, आपका प्रॉब्लम है। कि बाद में आपने बोले कि नहीं आप तो चेक करके हमको, अच्छा आप कुछ काम किए दो मेरा दो सामान खराब था, क्यों नहीं बोला? हम लोग काम है बोलना, मगर सर्विस सेंटर में क्यों नहीं बोला हमको पता नहीं है, मगर कस्टमर को बहुत तकलीफ है, इसीलिए हमारे पास आए हैं, हम इनको कोशिश कर रहे हैं बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस देकर काम करने का। ठीक है, अब सर कितना दिन टाइम लगेगा आपको, क्या लगेगा सर इसको? हम लोग कस्टमर से बात हुआ है कि 2 से 3 दिन के अंदर में, इनको हम 4-5 दिन बोले थे, तो कस्टमर बोले थोड़ा सा हमको कहीं बाहर निकलना है, थोड़ा जल्दी दीजिए, तो बहुत काफी स्पीड में इसका काम करने का कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक ठीक। हाँ, 2-3 गाड़ी का हमको काम रुकना पड़ेगा, 2 गाड़ी का रोक के हमको मैकेनिक एक्स्ट्रा लगा के फटाफट करना पड़ेगा, तो करके जितना जल्दी हो इनको हम देते हैं, 2-3 दिन के अंदर में करके देते हैं जी। सर अप्रोक्स कितना खर्चा है? अप्रोक्स पकड़ लीजिए, देखिए ये ऑल्टरनेटर का अप्रोक्स आपको 37,000 के आसपास दाम है इसका, और एक बार बोल रहे 37,000 के आसपास दाम है इसका, ये देख लीजिए, जरा देखिए, देख लीजिए, ये डेंसो कंपनी का आता है ये। अच्छा, आप गूगल में सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 37,000 के आसपास का इसका दाम है, हमने इसको रिपेयरिंग करवाया है, मात्र 20% के आसपास खर्चा हुआ इसमें, सुनिए ठीक है ना, तो ये हम लोग करवा दिए आपका। कहां खर्चा कितना बचा दिया, कितना पैसा सेव हो गया, कितना पैसा हो गया बताइए, ठीक है सर एकदम। उसके बाद में आपका इसका कुछ फ्रंट सस्पेंसर का काम है। अच्छा। तो सॉकर का माउंटिंग, सॉकर का किट, और इनका सॉकर अभी हम लोग आफ्टर चेकअप में है, सॉकर हम लोग जहां तक लग रहा है 80-85% ठीक है सॉकर, ठीक है, वो लीकेज नहीं है आपका। अच्छा। आरएम का बूस है, इंजन का माउंटिंग कटा हुआ है वो करेंगे हम लोग, और बाकी बहुत सारा काम है। अच्छा। जो हम लोग करके इसको अपने तरफ से बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्राइस देके इसको रेडी करेंगे हम लोग। वाह फैंटास्टिक। देखिए बस आपका अगर कार है, आप अगर देख रहे हो, या फिर आपका पास जीप कंपस है, जीप कंपस का कोई भी आपका पास मॉडल है जी, तो बेशक इधर लेके आइए, आराम से काम को कराइए, काम को करा के ठीक करा के फिर से आप एंजॉय कीजिए जी, ताकि यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स होती है ये पॉपर होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि ये जो देख रहे हैं मशीन, ये जो सिस्टम है जी, जी। इस सिस्टम से डायरेक्टली थ्रू जैक ओबीडी का सिस्टम है यहाँ पर, आपको पता है जो हाँ जी, कार में भी है ओबीडी, यहाँ कार में भी है, लगा दिया ओबीडी के साथ, इसका हर कार में रहता है, हो जाएगा, हर कार में रहता है। अटैच होने के बाद क्या एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जी, उसका बाद सिर्फ उसी का काम किया जाता है, साथ में ये भी बता दे रहा है। आप ये मत सोचिए कि और कोई काम होगा तो नहीं बताया जाएगा आपको, वीडियो का साथ या फोटो का साथ विद प्रूफ,
एकदम भेज के आपका पास अप्रूवल लिया जाएगा। अगर आप अप्रूव करते हो जी तो आपको वो काम ठीक कर दिया जाएगा ताकि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एकदम जी बिल्कुल। तो इसी का साथ कह रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये ऑटोमेटिक की नंबर है। हम लोग वीकली तकरीबन 2 से 3 वीडियो हर एक टॉपिक का, अलग अलग टॉपिक, एसी का अलग है, डेंटिक पेंटिंग अलग है, मर्सिडीज का अलग है, ऑडी का अलग है, बीएम का अलग है, पोर्शे का अलग है, कूपर का अलग है, हर चीज का हम लोग। आज का भी अलग होगा, आज का भी अलग है। ये देखिए जीप कंपास सिर्फ इसके लिए बन रहा है वीडियो, सिर्फ इसी के लिए जीप कंपास ही आज दिखाऊंगा। जो जीप कंपास जिनके पास में है लाखों लाखों रुपए खर्चा करके परेशान है उनके लिए वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है। आप आइए, सारा चीज रिपेयर कर देंगे और सारा चीज रिपेयर में हम लोग फोकस करते हैं सर। एकदम रिपेयर में फोकस करते हैं, इसीलिए 100% में से आपका खर्चा। अभी देखिए एसी का कंप्रेसर इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, हम लोग एसी कंप्रेसर का रिपेयरिंग कर देंगे जी। और एसी कंप्रेसर का करीब करीब 40,000 के प्लस ऊपर दाम। वो तो कंपनी में जाएंगे तो रिपेयर तो नहीं करते, डायरेक्टली चेंज कर देंगे, इसीलिए तो खर्चा इतना बड़ा हो जाता है। सब लोग ये सोचते हैं कि कंपनी से जब बिल भेजा जाता है तब इतना लंबा चौड़ा बिल भेज देते हैं, वो लोग पूरा परेशान हो जाते हैं। और एक किसी को कार खरीदना हो, अगर से कोई भी कार कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप हम लोग का कॉल कीजिए, हम लोग का टीम जाके आपको बेस्ट गाइडलाइन कर देंगे, कार खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कार एक्सीडेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ काम आने वाला है, ये डॉक्सिंग मशीन देके चेक कर देंगे। इसके लिए 1,000 रुपया चार्जेस है, वो आप पे करेंगे तो 1,000 रुपया पहले खर्चा कीजिए, 4-5 लाख-10 लाख खर्चा करके पछताइए मत, बाद में रोइए मत, पछताइए मैंने कि मैं हमको काम निकल गया गाड़ी में। तो ये सर्विस में हम लोग का चालू है पूरा ऑल ओवर कोलकाता बंगाल में अभी है और बाहर में भी हम लोग से चालू करेंगे। सर जीप कंपास के लिए कुछ टिप्स, जीप कंपास की जितना भी कार है मेंटेन कीजिए, ये मेंटेन नहीं करने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मेंटेन कीजिए, पेट सर्विस हो, डेंटिंग पेंटिंग हो, ब्रेक का काम हो, सस्पेंसर का काम हो, स्टेरिंग काम हो, कुछ भी काम आपके पास में है तो आप मेरे पास में आइए, हम चीप एंड बेस्ट में आपका ओरिजिनल पार्ट रिपेयर करने का पूरा कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया जीप कंपास का बारे में आज हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक हम लोग कवर किया सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, क्या क्या काम हुआ है, कितना दिन टाइम लगा, कैसे डायग्नोस्टिक किया जाता है। अच्छा, आप ऑफिस में हो या दफ्तर में हो या घर पर हो, आपको कैसे पता चलेगा टाइम टू टाइम कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या रिपेयरिंग हो रहा है, सब कुछ किस तरह से किया जाता है, वो डिटेल सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है जी। अच्छा, तो जरूर लग रहा है फिलहाल जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ये मल्टी ब्रांड्स ऑटोमेनिक मोटो केयर का नंबर है, आप अभी कॉल करके आपका पास कोई भी कार हो इस टाइप की तो आप बुक करा सकते हैं अपॉइंटमेंट, या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप अपना टाइम का हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कुछ टिप्स दीजिए पहले व्यूअर्स के लिए, वही एक ही बात है शुरू से, वही कार को मेंटेन कीजिए, आप लोग कार को मेंटेन कीजिए तो खर्चा नहीं आएगा ज्यादा, और कोशिश कीजिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो संग संग दिखाने के लिए, और जीप कंपास एक्सपर्ट मैकेनिक को दिखाइए, और जीप कंपास गाड़ी आपके पास में है, कोई भी कार आपके पास में है तो हम लोग उसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग का नंबर चल रहा है उसमें बात कीजिए, बेस्ट सर्विस या बेस्ट प्राइस आपको देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका टाइम भी कम लगे। एक बार कॉल कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जी। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।